ग्लोरी से जुड़ा मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये कभी नीलेश मिश्रा सर ने एक गांव को लेके एक धारणा, एक पॉइंट दिया था कि गांव के ऊपर कुछ लिखिए, आपकी गांव की कैसी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये मैंने 2017 में लिखा था, 19 अगस्त 2017 को, वही पढ़ के सुना रहा हूँ। एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत वाक्य है, शीर्षक दिया था अमीर दिल, जहाँ का रहने वाला हूँ उस स्थान को वर्तमान की स्थिति में गांव कहना उचित नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ औरैया जनपद की बिधूना तहसील में स्थित एक गांव रामगढ़ की, जो कभी गांव हुआ करता था पर आज धीरे धीरे कस्बे में तब्दील होता जा रहा है। जैसे जैसे विकास के पथ पर मेरा गाँव बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही भावनाओं के पथ पर पीछे होता हुआ आ रहा है। बचपन से मन में गांव का जो वास्तविक स्वरूप देखा था, वो तो मैंने शिकवाबाद के पास स्थित अपनी ननिहाल शेवड़ा में देखा था। ठेठ देसी गांव था शेवड़ा, कच्चे घर, सकरी गलियां, फूस की बनी हुई झोपड़ियां, हर घर के दरवाजे और गली को आधा घेर कर बैठे हुए जानवर, घनी बस्ती और हर बस्ती की एक बैठक, और ऐसे ही ना जाने बहुत कुछ चीज़ें। मुझे अगर सबसे ज़्यादा याद है तो मेरी ननिहाल में गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ बरगद का वो पेड़, जो ना जाने कितनी पीढ़ियों की यादों को अपनी टहनियों में समेटे हुए अपनी नई कोपलों से छाँव देता हुआ उस गांव के खट्टे मीठे इतिहास का साक्षी बना हुआ शान से खड़ा रहता था। उस पेड़ को गांव में सब बरी कहा करते थे। मैंने भी बचपन में उस बरी के नीचे अपने ननिहाल का प्यार पाया था। नीचे बैठकर नवाबों की तरह गांव की मामा मौसियों पर हुक्म चलाता था। जब मन आता तो खेलता था और जब मन आता तो वहीं खटिया बिछा कर उस बरी की गोद में सो जाता था। ऊपर से सब बरी पर बैठे हुए मिट्ठू राजा जब उसके फल तोड़कर नीचे मेरे सिर पर गिराते थे तो नींद टूट जाती थी। वास्तविकता में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और समझ आया तो गरीबी से मेरा पहला सरोकार उस गाँव में हुआ, और कुछ ना होते हुए भी सब कुछ न्योछावर कर देने की अमीरी का एहसास भी पहली बार हुआ था। गांव में ही नाना जी के घर के पास एक मामा जी रहते थे, जिनका बहुत बड़ा परिवार था। उनके घर में मामा मामी के अलावा उनके 7 बच्चे थे और एक घोड़ी थी। रहने को घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी और ज़मीन के नाम पर कुछ भी नहीं था। बेचारे मामा मामी दिन भर दूसरे के खेत में मेहनत करके खुद का और अपने बच्चों का पेट भरते थे। घोड़ी के लिए भी दूसरे के खेतों में बेगार करके भूसा और हरी घास ले आते थे। मुझे उनके घर की घोड़ी बहुत आकर्षित करती थी। मैं हर दिन भाग के उनके खेतों में जाने के बाद छुपके से उनकी घोड़ी देखने जाता था। पर एक दिन दोपहर के समय मैं उनके घर पहुंचा, मामा की नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने आवाज़ देखकर मुझे बुलाया और अंदर झोपड़ी में आने को बोला। मैं कुछ पल खड़ा रहा पर उनके स्नेहपूर्ण आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाया और सीधा अंदर जा पहुंचा। मामा मामी अपनी प्लेट में 2 रोटी पानी के साथ खाने वाले थे पर मुझे देखकर रुक गए। मुझे देखकर बड़ा अजीब सा लगा कि मामा मामी की थाली में कुल मिलाकर 2 रोटी है और एक एक रोटी खाकर वो अपनी भूख कैसे मिटाएंगे। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मामा ने थाली से एक रोटी उठाकर मुझे खाने को दे दी। मैंने मना कर दिया लेने से तो वो मामा बोले, अरे खा ले, पहली बार घर पे आया है और वो भी खाने के टाइम। वो मुझसे कह ही रहे थे कि तभी मामी चिल्ला पड़ी और अपनी गांव की प्यारी सी भाषा में बोली, अरे लल्ला के सूखी रोटी दियो का, रुको टुकनिया में प्याज देखत है, अगर रखी हो तो प्याज के संगे मसाला डाल के लल्ला के स्वाद बन जाए। मामी उठी और कोने में रखी टहनी को उठाया, उसमें प्याज रखी हुई थी। उन्होंने वो प्याज बड़ी आत्मीयता के साथ मुझे काट कर और उस पर नमक मिर्च डालकर दी। हाथ में रूखी रोटी और उस पर रखी हुई प्याज पर पड़ी नमक मिर्च ने एकदम मिठास भरा स्वाद दिया था। वो स्वाद आज तक किसी रेस्टोरेंट के खाने में नहीं आया। मुझे खाते हुए देखकर उन मामा मामी खा ली। मैंने पूछा, मामा पेट भर गया? तो मामी बोली, लल्ला पेट और आत्मा तो तुम्हें रोटी खा देखत पर ही भर गओ हो तो। और ये थी वो घटना जिसने मुझे सच्चे प्रेम और एक गरीब के अमीर दिल से रूबरू कराया।